राम राम भाइयों, कैसे हो सभी दोस्तों। अगर आप भारतीय सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए अच्छी कुछ खबरें आ चुकी है। आर्मी एग्जाम को लेकर यहाँ पे सेना ने बड़ा ऐलान किया, सेना भर्ती करा लिया, जारी करेगा नए एडमिट कार्ड। दोस्तों रोहतक की भर्ती को लेकर ये न्यूज़ निकल के आ चुकी है। सेना भर्ती करा लिया, सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए नए एडमिट कार्ड जारी करेगा। कर्नल रणदीप खान ने बताया कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत इन जिलों की जॉब की रैली 10 से लेकर 20 फरवरी 2020 में राजीव गांधी खेल परिसर पर आयोजित की गई थी। कोरोना को देखते हुए सामान्य प्रवेश परीक्षा अब दोस्तों जॉब की परीक्षा होने वाली है 1 नवंबर 2020 को आपके हिसार के सैन्य स्टेशन में होने जा रही है। वही उम्मीदवार हिंसा लेके जो मेडिकल में फिट हो सके, दोस्तों जो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा उन्हीं उम्मीदवारों का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा जो आपके मेडिकल में फिट है, ठीक है। और रोहतक बर्थ रैली के सफल घोषित विद्यार्थियों को MH अम्बाड़ा और कमांड अस्पताल चंडी मंदिर के समिक्स मेडिकल बोर्ड द्वारा नए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने पंजीकृत ईमेल आईडी पर अपनी शारीरिक और चिकित्सा परीक्षा की मंजूरी दे दी है, सभी विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र जमा करवा कर सेना कार्यालय द्वारा रोहतक में से 17 और 20 अक्टूबर के बीच में सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक अपना नया एडमिट कार्ड, अपना यानी कि पुराना जो आपका एडमिट कार्ड है वो जमा करवा के नया एडमिट कार्ड आपने लेके जाना। दोस्तों 17 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आपको एडमिट कार्ड यहाँ पे दिए जाएंगे। 17 अक्टूबर की बात करें दोस्तों यहाँ पे सोनीपत के विद्यार्थी, और 18 अक्टूबर की बात करें आप सभी यहाँ पे पानीपत के, और 19 की बात करें दोस्तों आप सभी यहाँ पे झज्जर कैंडिडेट जा पाएंगे, और 19 की बात करें यहाँ पे रोहतक के हैं, और 20 अक्टूबर को निर्धारित समय पर भर्ती कार्यालय में संपर्क करें। दोस्तों आप सभी इन सभी डेटों को आप सभी अपना एडमिट कार्ड लेने जा सकते हैं। यहाँ पे सोनीपत, पानीपत और झज्जर, रोहतक इन सभी की आपकी जो जिले की भर्ती हुई थी दोस्तों 10 से लेकर 20 फरवरी के बीच में आपकी भर्ती कराई गई थी, जो उसका कोरोना के चलते दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम है वो नहीं हो पाया था। पर दोस्तों सेना ने अपना बड़ा ऐलान कर दिया कि जो आपका एग्ज़ाम होगा 1 नवंबर को आपका एग्ज़ाम लिया जाने वाला है, और आप सभी अपना एडमिट कार्ड लेने 17 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में आप सभी अपना एडमिट कार्ड लेने जा सकते हो, ठीक है। अपना जो जिन भाइयों जो भाइयों का मेडिकल फिट है उन्हीं भाइयों का यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। दोस्तों अगर आपका भी यहाँ पे, अगर आपने भी रोहतक की सेना भर्ती देखी थी तो आप सभी अपने एडमिट कार्ड लेने 17 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में जा सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही, आशा करेंगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।